एकादश व्रत। एकादश व्रत का मतलब है कि सत्य की प्राप्ति, सत्य या ईश्वर की प्राप्ति का मार्ग। एकादश व्रत के जरिए ईश्वर या सत्य की प्राप्ति की जा सकती है। एकादश व्रत के जरिए उज्जवल भविष्य का निर्माण किया जा सकता है। उज्जवल भविष्य का निर्माण किया जा सकता है। एकादश व्रत के जरिए आदर्श समाज स्थापित किया जा सकता है। आदर्श समाज स्थापित किया जा सकता है। एकादश व्रत में 11 ऐसे मूल्य हैं जिनके पालन से हम लोग अपने जीवन को व्यवस्थित कर सकते हैं, अपने जीवन के सभी लक्ष्यों की प्राप्ति की जा सकती है, धार्मिक और नैतिक रूप से सशक्त हो सकते हैं। और ये एकादश व्रत क्या हैं, कितने व्रत हैं, तो कुल 11 व्रत हैं। इसमें से जो 5 हैं वो जैनियों के हैं, जैनियों के 5 महाव्रत हैं और बाकी गांधी जी द्वारा दिए गए, बाकी 6 गांधी जी द्वारा दिए गए। ये जो गांधी जी द्वारा जो 6 दिए गए हैं, ये प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से किसके अंतर्गत ही शामिल थे, तो जैनियों के महापंच महाव्रत में ही शामिल थे। जैसे ब्रह्मचर्य में ही अस्तय शामिल था, अस्वाद शामिल था, तो लेकिन फिर भी गांधी जी ने उस 6 को क्या कर दिया, अलग कर दिया। तो जैनियों के 5 महाव्रत कौन कौन से हैं, तो सत्य, अहिंसा, अस्तय, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह और अभय, सर्वधर्म संभाव और शारीरिक श्रम और 6, 7, 8 और स्पृश्यता और इंद्रिय निग्रह और 11वां क्या हुआ, तो स्वदेशी। अब अगर इस एकादश व्रत में से सबको अलग अलग समझ लिया जाए तो गांधी जी का दर्शन हमें पर्याप्त रूप से समझ में आ जाएगा। सबसे पहले हम लोग अब पकड़ते हैं किसको, तो सत्य को लेकर पकड़ते हैं। सत्य और सत्य में थोड़ा हम लोग सत्य को एक्सटेंड करेंगे, सत्य और सत्याग्रह दोनों को जानेंगे, सत्य और सत्याग्रह दोनों को जानेंगे। तो हम लोग इसको देखते हैं सबसे पहले क्या, तो सत्य और सत्याग्रह। सत्य के बारे में काफ़ी कुछ हम लोग जान चुके हैं। सत्य का मतलब है आत्मबल और प्रकृति के मूलभूत नियम या फिर वेदों का रीत। सत्य का मतलब सत्य है, वह एक अपरिभाष्य रहस्यमय शक्ति है जो सर्वव्याप्त है। सत्य अविनाशित होता है लेकिन सगुण होता है। सत्य में अहिंसा, न्याय, प्रेम, विनम्रता, नैतिकता का गुण पाया जाता है। और ये जो सत्य है इसे देखा नहीं जा सकता, इसकी अनुभूति किया जा सकता है। और गांधी जी ने स्वयं को सत्य का सत्य शोधक बताया, सत्य का खोज करने वाला उन्होंने स्वयं को कहा। अब देखते हैं किसके बारे में, तो सत्याग्रह के बारे में। सत्याग्रह क्या है, बहुत गजब की यह एक विधि है और संकुचित दृष्टिकोण वालों ने इसकी व्याख्या करके इसको पूरी तरीके से नाश मारा हुआ है सत्याग्रह को। तो थोड़ा इसके मूल में जाना हम लोगों के लिए एकदम ही ज़्यादा जरूरी है, तभी इसको पूरी तरीके से समझा जा सकता है। तो आप लोग इतिहास में पढ़ते होंगे सत्याग्रह का सर्वप्रथम प्रयोग गांधी जी ने कहाँ किया था,
चंपारण भारत में हुआ था। भारत से भी पहले कहाँ कर चुके थे, वो साउथ अफ्रीका में कर चुके थे। लेकिन साउथ अफ्रीका तो एक बृहद देश है, साउथ अफ्रीका में कहाँ, प्रश्न उठता है, साउथ अफ्रीका में कहाँ। तो अभी हम लोगों को बहुत सारी चीजें कंफ्यूजन रहती है, क्योंकि ऐसे कई जगह है जहाँ पर गांधी जी ने साउथ अफ्रीका में विजिट किया था, वहाँ समय उन्होंने गुजारा था। प्रिटोरिया है, डरबन है, जोहान्सबर्ग है, ट्रांसवाल है। तो यह जो घटना हुई थी प्रथम सत्याग्रह की, यह हुई थी ट्रांसवाल जोहान्सबर्ग में हुई थी। बात था 1906 का, समय था 1906 का, साउथ अफ्रीका के ट्रांसवाल में, साउथ अफ्रीका के ट्रांसवाल में, ट्रांसवाल, और ये जो ट्रांसवाल है यह जोहान्सबर्ग साउथ अफ्रीका में है। यहाँ एक जबरदस्त घटना घटती है, यहाँ अंग्रेजों द्वारा एशियाटिक रजिस्ट्रेशन, एशियाटिक रजिस्ट्रेशन ऑर्डिनेंस 1906 लाया गया। अंग्रेजों ने क्या लाया, एशियाटिक रजिस्ट्रेशन ऑर्डिनेंस 1906 लाया। इसमें कुछ ऐसे प्रावधान थे जो बहुत ही विपत्तिकारी थे और बहुत ही ज़्यादा विवादित थे। जैसे कि इस अधिनियम के जरिए, पहले तो ये ऑर्डिनेंस था, कई किताबों में लिखा हुआ है कि 1908 में गांधी जी ने प्रथम प्रयोग सत्याग्रह का किया, लेकिन वह अंशतः सही है। 1908 में गांधी जी को सत्याग्रह के कारण 6 मास की जेल होती है, जो बाद में घटाकर 2 मास कर दी जाती है। लेकिन वो शुरुआत कब से होती है, जब से यह अध्यादेश साउथ अफ्रीका में अंग्रेजों द्वारा लाया जाता है, जिसका नाम है एशियाटिक रजिस्ट्रेशन ऑर्डिनेंस 1906। बाद में इसको पारित कर यही एशियाटिक रजिस्ट्रेशन एक्ट 1906 बन जाता है, एशियाटिक रजिस्ट्रेशन एक्ट 1906 बन जाता है। इसमें कुछ ऐसे प्रोविजंस थे जो थोड़े विवादित थे, और इस अधिनियम या इस ऑर्डिनेंस के जरिए अंग्रेजों ने, जरा कहानी को समझिएगा, सत्याग्रह के बुनियाद को समझना बहुत ज़्यादा जरूरी है। बुनियाद यहीं से ही गांधी जी ने सत्याग्रह नामक इमारत खड़ा किया था। अंग्रेजों ने ट्रांसवाल, एक जगह है ट्रांसवाल जोहान्सबर्ग में, एक जगह है ट्रांस, अंग्रेजों ने ट्रांसवाल में भारतीयों के प्रवेश को नियंत्रित करने का प्रयास किया। किसके जरिए, तो इस अध्यादेश के जरिए, एशियाटिक पंजीकरण अध्यादेश 1906 के जरिए। कहाँ, तो ट्रांसवाल में किसके प्रवेश को नियंत्रित कर रहे हैं, भारतीयों के प्रवेश को। अब प्रश्न उठता है कि यह नियंत्रण वह कैसे स्थापित कर रहे हैं, तो वो उन्होंने यह बात लागू कर दी थी इस अध्यादेश के जरिए कि जो भी भारतीय हैं, विशेष रूप से, अब देखिए इसमें भारतीय भी शामिल हैं, एशियाटिक नाम है तो चाइनीज लोग भी कुछ शामिल थे, या जो भी जो साउथ एशिया से आए हैं, कहाँ, तो साउथ अफ्रीका में, जबकि अंग्रेज लोग खुद ही साउथ अफ्रीका में, साउथ अफ्रीका से बाहर से थे, यूरोप से थे अंग्रेज लोग, अफ्रीका के तो वो नहीं थे, लेकिन वो अफ्रीका में आकर वहाँ शासन कब्जा जमाकर दूसरे देशों के आगमन पर वहाँ वो प्रतिबंध लगाने का प्रयास कर रहे थे। उन्होंने क्या कर दिया था कि हर भारतीय को या हर एशियाई व्यक्ति को, हर भारतीय को पंजीकरण कार्यालय जाना होगा, पंजीकरण कार्यालय जाना होगा और अपना फिंगरप्रिंट देना होगा, फिंगरप्रिंट को रजिस्ट्रेशन करना होगा। अब सोच रहे हो कि भला उस जमाने में कहाँ इतनी टेक्नोलॉजी थी फिंगरप्रिंट का, भाई फिंगरप्रिंट का मतलब सिर्फ डिजिटली फिंगरप्रिंट नहीं है, स्याही के जरिए भी फिंगर का प्रिंट लगता है। पहले
एक व्यक्ति जो अपराध किया रहता था और उसके फिंगरप्रिंट को पुराने रिकॉर्ड से मैच करते थे, एग्जैक्टली मैच हो रहा है कि नहीं हो रहा है, क्योंकि स्याही भी लगती है, तो अगर कभी किए हो गए तो वहाँ पर एकदम महीन महीन सी जो लाइन होते हैं होती हैं जो हमें नग्न आँखों से दिखाई नहीं देती हैं, वो प्रिंट आने पर दिखाई देने लगती हैं। तो उस समय क्या कर दिया गया कि जो भी भारतीय थे उनको क्या करना था, रजिस्ट्रेशन करना था, अपना फिंगरप्रिंट देना था, या जो भी अपना नाम पता, नाम एड्रेस कंट्री रेस कास्ट, ये सारी इन सारी चीज़ों की जानकारी पंजीकरण कार्यालय में देना था। और जब भी सार्वजनिक या अंग्रेज अधिकारी इसकी मांग करते, इस अधिकारी, अब देखिए जब भी वो रजिस्ट्रेशन करेंगे, यहाँ कहाँ जाकर रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं, पंजीकरण कार्यालय में, और जब भी रजिस्ट्रेशन वो करेंगे तो उन्हें एक सर्टिफिकेट मिलेगा। उस सर्टिफिकेट को क्या कहा जाएगा, तो पंजीकरण, क्या कहा जाएगा, पंजीकरण प्रमाण पत्र। और जब भी कोई अंग्रेज अधिकारी इस प्रमाण पत्र की मांग करेगा कहीं भी, तो आपको उसको शो करना होगा। यही इस अधिनियम का क्या था निचोड़, कि इसमें सबसे पहले भारतीयों को जाकर पंजीकरण कार्यालय में अपने नाम पता और अपने उंगलियों के निशान लगवाने थे, और इससे उनको एक सर्टिफिकेट मिलता, और इस सर्टिफिकेट को कोई भी अंग्रेज अधिकारी अगर मांग करता तो उन्हें इस प्रमाण पत्र को दिखाना पड़ेगा। अगर वो ऐसा नहीं करते तो फिर उन पर कोड़े बरसाए जाते थे। इसके जरिए ही उन्होंने वहाँ फ्रांसवाल में भारतीयों के प्रवेश को नियंत्रित करने का प्रयास किया। जिसके पास नहीं है फिर उसको जेल में डाल दिया जाता था या डिपोर्ट कर दिया जाता था। समझ रहे हैं बात को? अब गांधी जी ने इस कानून को क्या पाया, नस्लीय घृणा। क्या पाया, क्योंकि यह सिर्फ किसके लिए था, तो भारतीयों के लिए था, अंग्रेजों के लिए नहीं था। वो स्वतंत्र घूम सकते थे, उन्हें किसी भी प्रकार के प्रमाण पत्र को रखने की आवश्यकता नहीं थी, लेकिन भारतीयों के लिए ऐसा नहीं था। उन्हें हर वक्त एक प्रमाण पत्र रखने की आवश्यकता थी, और अगर उसमें जरा सी भी कोई खामी है तो उसके लिए उन्हें दंड भुगतना पड़ता था। और गांधी जी ने इस अधिनियम या इस अध्यादेश को क्या पाया कि यह नस्लीय घृणा से युक्त है। कुछ समय पश्चात ही, विशेष रूप से तारीख है 11 सितंबर 1906 का, ट्रांसवाल के एक थिएटर में जगह यहाँ क्या है, तो ट्रांसवाल के एक थिएटर में एक सभा बुलाई जाती है। ट्रांसवाल में एक सभा बुलाई गई जिसमें हजारों भारतीय शामिल हुए, और इस सभा में पूरा गर्मागर्मी का माहौल था, क्योंकि सभी आंदोलन करना चाहते थे। वहाँ जितने भी भारतीय लोग थे या जो भी एशिया से आए थे, बांग्लादेश से, श्रीलंका से आए थे, अब उस सभा में सबसे पहले तो अब्दुल गनी जी बोलते हैं। वो बड़े भारी व्यक्ति थे, बुजुर्ग व्यक्ति थे, अनुभवी व्यक्ति थे, साउथ अफ्रीका के सब में रहने वाले सबसे पुराने भारतीयों में से एक थे। तो सबसे पहले गनी जी बोलते हैं, फिर सेठ हाजी जी बोलते हैं, उसके बाद बारी आता है गांधी जी का, और गांधी जी वहाँ चीज़ों को स्पष्ट करते हैं सत्याग्रह को लेकर। जब वो खड़े होते हैं तो वो कहते हैं कि ये जो आप लोग अभी प्रतिज्ञा ले रहे हो, ये जो आप लोग अभी प्लेज ले रहे हैं, हो सकता है कि उत्साह में आकर आप लोग ये प्लेज ले रहे हों, हो सकता है कि आप लोग इस गर्मा गहमी में बिना सोचे समझे ही इस प्रतिज्ञा के लिए स्वीकार कर रहे हों, लेकिन ऐसी प्रतिज्ञा लेने से पहले आप लोगों को इस प्रतिज्ञा के मायने को बताना बहुत ज़्यादा जरूरी हो जाता है। फिर गांधी जी
इस सभा में लिए गए प्रतिज्ञा को समझाते हैं, उसकी व्याख्या करते हैं और कहते हैं यह जो प्रतिज्ञा है, हो सकता है इसमें आपकी मृत्यु तक हो जाए, हो सकता है कि आपकी पूरी संपत्ति छिन जाए, हो सकता है कि पूरा दिन आप पर कोड़े बरसाएं, हो सकता है कि आपको वापस पुनः अपने देश भेज दिया जाए। कोई भी ऐसी पीड़ा नहीं है इस दुनिया में जो आपको नहीं दी जाएगी और उन सब के लिए आपको तैयार रहना होगा। इसीलिए आप यह प्रतिज्ञा इस गर्म माहौल में आकर न लीजिए। आप ये प्रतिज्ञा तभी लें जब आपका हृदय लेने को कहे। ध्यान रखिएगा क्या कह रहे हैं, किससे पूछना है तो हृदय से पूछना है कि आपको यह प्रतिज्ञा लेनी चाहिए या नहीं लेनी चाहिए। क्योंकि अगर आप दूसरों के कहने पर फैसला लेंगे या प्रतिज्ञा लेंगे तो जब आपको पीड़ा दी जाएगी तब आप पीछे हट जाएंगे और एक सत्याग्रही पीड़ा के जरिए पीड़ा के कारण कभी पीछे नहीं हट सकता। अगर एक सत्याग्रही पीड़ा के जरिए पीछे हट गया तो फिर वो सही मायने में सत्याग्रही नहीं है। तो गांधी जी कहते हैं अपने हृदय से पूछिए कि आप क्या यह कर पाएंगे, क्या आप बिना सोचे समझे एक क्षण विचार किए बिना अपनी पूरी संपत्ति को दांव पे लगा पाएंगे, जीवन की पूरी कमाई दांव पर लगा पाएंगे, अपने शरीर का ख्याल बिना अपने शरीर का ख्याल किए बिना सत्य के लिए आंदोलन कर पाएंगे, क्या अपनों को मार खाते हुए देख सकते हैं। ये सारी चीजें इस आंदोलन में होगा और मैं तैयार हूं, मैं एक क्षण भी पीछे नहीं आऊंगा चाहे मुझे कुछ भी समर्पण करना पड़े। तो आप लोग भी अपने हृदय से पूछ लीजिए कि क्या आप लोगों को यह प्रतिज्ञा लेनी चाहिए। और गांधी जी को ये कहां से मिल रहा है, ये जो हृदय वाली बात है, ये हृदय वाली बात है कर्मण्येवाधि कार्यवस्तु मा फलेषु कदाचन। ये गीता का बहुत ही प्रसिद्ध श्लोक है जिसको व्याख्या करने वालों ने नाश मारा है, फल करो कर्म करो फल की चिंता मत करो या फल की इच्छा मत करो। इस पूरे सेंटेंस में कहीं भी इच्छा शब्द ही नहीं है, यह व्याख्या गलत है। ये जो मा कर्मण्येवाधिकारेस्तु मा फलेषु कदाचन, सीधी सी बात कहता है कि कर्म पर तुम्हारा अधिकार है फल पर नहीं है, इसमें इच्छा या चिंता जैसी कोई बात ही नहीं है इस पूरे उक्ति में। लेकिन फिर भी लिखने वालों ने इसको अपनी तरीके से व्याख्या कर डाला और इसका जो मूल अर्थ होना चाहिए वह नाश हो गया। कैसे नाश हुआ, अब गांधी जी यहां क्यों कह रहे हैं, इस गीता में कहा गया है कर्म पर तुम्हारा अधिकार है, तुम चुनो कि तुम्हें क्या करना है, जीत या हार महत्वपूर्ण नहीं है, कि आपने कितने अच्छे से लड़ाई लड़ी है यह महत्वपूर्ण है, और आप उतने ही अच्छे से लड़ाई लड़ पाओगे जब उस लड़ाई करने का निर्णय किसका हो, आपका हो। कर्म पर सिर्फ और सिर्फ आपका अधिकार है कि आप क्या करेंगे या नहीं करेंगे, भगवान का भी अधिकार नहीं है, क्योंकि श्री कृष्ण जी गीता का उपदेश देने के बाद पार्थ को अर्जुन को कहते हैं कि अर्जुन जो मुझे बताना था वो मैं बता चुका हूं, जो तुम्हें करना है अब ये तुम्हारा है। तो इसमें कहा गया था, तो गांधी जी वही कह रहे हैं यहां पर, क्योंकि अगर जब मैं अपना डिसाइड करूंगा कर्म तो फिर मैं उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी लूंगा, लेकिन जब हम डिसाइड खुद से नहीं करेंगे तो रिस्पॉन्सिबिलिटी भी नहीं लेंगे। तो वही कह रहे हैं गांधी जी, अगर आपका हृदय आपका जवाब देगा तो आप पूरे आंदोलन तक साथ में रहोगे, उसका उत्तरदायित्व जवाबदेही भी कौन लेगा, आप लेंगे। तो गांधी जी कहते हैं अपने हृदय से पूछ लीजिए कि आपको यह प्रतिज्ञा लेनी है या नहीं लेनी है, फिर यह आंदोलन चलता है और फिर 1914 में जाकर एक रिलीफ एक्ट पास होता है और गांधी जी के इस सत्याग्रह का
सफल संचालन होता है और यह पहली जीत थी किसके जरिए, तो सत्याग्रह के जरिए। इसमें क्या था, इसमें ऑफिस नहीं जाना था, पंजीकरण नहीं कराना था। अब इसमें बात करें तरीका क्या अपनाया उन्होंने, तो ऑफिस नहीं जाना था, पंजीकरण नहीं कराना था और जो भी सर्टिफिकेट जो भी लिए थे उसको फाड़ देना था, क्योंकि सबसे सरल ऑप्शन था क्या, चार कोड़े बरसते फिर लोग क्या करते, वापस आ जाते, नहीं भैया हमसे नहीं हो पा रहा है। तो इसीलिए उन्होंने कहा किससे पूछना है, तो अपने हृदय से पूछना है। तो ये आंदोलन चला और सफल भी हुआ, और कैसे हुआ हम बता दिए। इसमें उन्होंने बहुत सरल सी विधि को दिया था, सत्याग्रह की दो विधियां आगे जाकर पढ़ेंगे, एक सविनय अवज्ञा और दूसरा क्या, असहयोग। तो उन्होंने क्या कर दिया, सविनय अवज्ञा कर दिया, विनम्रता से कानून को मानने से, सविनय का यानी विनय के साथ, अवज्ञा यानी कि हाँ इनकार करने, ऑर्डर को ओबे नहीं करना, अवज्ञा यानी कि आज्ञा का पालन नहीं करना, और किसके साथ किया, विनम्र के साथ। इसीलिए इसे क्या कहते हैं, सविनय अवज्ञा कहते हैं। ये तरीका है किसका, तो सत्याग्रह का साधन है। इतनी बात समझ में आ रही है। आगे इसी आंदोलन के बीच में है, बीच में साउथ अफ्रीका में अखबार में बहुत सारी चीजें लिखी गई। अखबार में एक बात बार बार लिखी जा रही थी कि गांधी जी क्या कर रहे हैं, तो गांधी जी पैसिव रेजिस्टेंस कर रहे हैं। और यूपीएससी में पूछा गया है कि पैसिव रेजिस्टेंस वर्सेस सत्याग्रह, निष्क्रिय प्रतिरोध, निष्क्रिय बोलिए बोलो बच्चों, निष्क्रिय प्रतिरोध बनाम सत्याग्रह। अखबार में गांधी जी के इस आंदोलन को क्या पुकारा जा रहा था, पैसिव रेजिस्टेंस के नाम से पुकारा जा रहा था, निष्क्रिय प्रतिरोध के नाम से जाना जा रहा था। तब गांधी जी इसको भी क्लेरिफाई करते हैं कि मेरा जो यह आंदोलन है, कहते हैं कि इसको अखबार में विशेष रूप से होस्केन महोदय द्वारा जी लिख दिया गया था कि गांधी जी का यह जो प्रतिरोध कैसा है, निष्क्रिय प्रतिरोध है। वो लिखते हैं कि कमजोरों का हथियार क्या है, निष्क्रिय प्रतिरोध, कमजोरों का हथियार है निष्क्रिय प्रतिरोध, लिख देते हैं ऐसा। गांधी जी शुरू में इसको स्वीकार भी कर लेते हैं लेकिन बाद में क्लेरिफाई करते हैं। वो कैसे करते हैं, फिर वो समझाते हैं बात को और कहते हैं अंग्रेजों ने इस शब्द का इस्तेमाल किया, यानी पैसिव रेजिस्टेंस का इस्तेमाल किया, तो कहते हैं मुझे तो नहीं मालूम कि ये शब्द कहां से आया, अंग्रेजों की जबान पर जिह्वा पर कब आया, कैसे आया, लेकिन एक इतिहास का क्षण प्राप्त होता है जहां इस शब्द का यूज किया गया, कहां, ब्रिटेन में क्लिफोर्ड के नेतृत्व में एक आंदोलन होता है, और उस आंदोलन में जब वो आंदोलन कर रहे थे तो उस आंदोलन को क्या कहा गया था, पैसिव रेजिस्टेंस कहा गया था। कहां, ब्रिटेन में क्लिफोर्ड के नेतृत्व में वो आंदोलन किया जा रहा था, और अखबार वालों ने उस आंदोलन को क्या कहा था, पैसिव रेजिस्टेंस कहा था, क्योंकि उस रेजिस्टेंस में, उस आंदोलन में, उस प्रोटेस्ट में बल का प्रयोग अत्यंत अल्प था, आगजनी भी बहुत कम हुई थी, तो अंग्रेजों ने उसको क्या कहा था, पैसिव रेजिस्टेंस। तो गांधी जी कहते हैं ये जो वहां के लोगों ने रेजिस्टेंस, पैसिव रेजिस्टेंस किया है, और हमारा जो आंदोलन है वो पूर्णतः क्या है, अलग है। वो क्या है, अलग है। कैसे अलग है, जरा देखिए ध्यान से समझिएगा। एक तरफ गांधी जी किसको रखते हैं, तो सत्याग्रह को, दूसरी तरफ क्या हो गया, तो निष्क्रिय, बोलिए बच्चों, प्रतिरोध, निष्क्रिय प्रतिरोध। तो यहां पर जो ब्रिटेन में जो ये आंदोलन हुआ था, गांधी जी लिखते हैं वहां उन्होंने इसीलिए हथियारों का प्रयोग नहीं किया था क्योंकि उनके पास हथियार ही नहीं थे, क्योंकि उनके पास
हथियार ही नहीं थे, इसीलिए उन्होंने हथियार का प्रयोग नहीं किया था। और हथियार का प्रयोग नहीं हुआ था तो वहां के अखबार वाले इसको क्या लिख रहे थे, निष्क्रिय प्रतिरोध लिख रहे थे, और कहा कि उनके पास संसद में मतबल भी कम था। अब मतबल गांव में मतलब को मतबल भी कहते हैं, लेकिन वहां का नहीं, यहाँ वोट पावर है। ठीक, मतबल का मतलब क्या है, वोट पावर। मतबल भी संसद में क्या था, कम था, संसद में कम था। और यहाँ पर कुछ शारीरिक बल का प्रयोग हुआ था, कुछ इमारतों को तोड़ा गया था। तो गांधी जी ने कहा ये जो आपका प्रतिरोध है इसमें हथियार का प्रयोग नहीं हुआ था, शारीरिक बल का कुछ प्रयोग हुआ था, लेकिन अगर उनके पास हथियार होते तो हथियार का प्रयोग करते, उनके पास अगर मत बल होता तो शारीरिक बल का भी प्रयोग करते, अगर ज्यादा लोग होते तो शारीरिक बल का भी प्रयोग करते। लेकिन कहा सत्याग्रह में हम लोग भी हथियार का प्रयोग नहीं कर रहे हैं, हम लोग शारीरिक बल का प्रयोग नहीं कर रहे हैं, लेकिन अगर होता भी तो भी नहीं करते। अगर हमारे पास हथियार होता, अगर हमारे पास शारीरिक बल होती तो पर भी इसका इस्तेमाल नहीं करते। तो गांधी जी कहते हैं कि आप लोगों की मजबूरी थी निष्क्रिय प्रतिरोध, और हम लोगों का शौक है, हम लोगों का क्या है, शौक है। समझ रहे हैं यहाँ क्या है, मजबूरी, क्योंकि उनके पास क्या नहीं है, हथियार नहीं है, मतलब बल नहीं है, वोट पावर नहीं है, पार्लियामेंट में उतने नंबर्स इनके पास नहीं है। बात को समझ रहे हो। तो गांधी जी कहते हैं यह जो सत्याग्रह है यह निष्क्रिय प्रतिरोध से अलग है, इन दोनों में बुनियादी अंतर होता है। बाद में कहते हैं सत्याग्रह आत्मबल है, ध्यान रखेंगे सत्याग्रह क्या है तो आत्मबल है, आत्मिक बल को ही सत्याग्रह कहा जाता है, और आत्मबल में हिंसा का कोई स्थान होता ही नहीं है। आत्मबल में केवल और केवल बोलेगी, आपके यहाँ पर जब आंदोलन चल रहा था तो लोगों में घृणा थी, लोगों में क्या थी, घृणा थी, बोले यहाँ पर क्या थी, घृणा थी, बोले यहाँ पर घृणा नहीं है, हम जिस पक्ष के विरोध में आंदोलन करते हैं उससे घृणा नहीं करते, उससे क्या करते हैं, प्रेम करते हैं। हमारे यहाँ सत्याग्रह में विनम्रता है, आपके यहाँ विनम्रता नहीं है, मेरे सत्याग्रह में नैतिकता है, आपके सत्याग्रह में नैतिकता नहीं है, यह अंतर है। झांकिए और देखिए और समझिए, किसको कहते हैं, होस्किन महोदय जी को कहते हैं, इतने उदार व्यक्ति होकर आपको इस तरीके की लेखनी शोभा नहीं देती है। सत्याग्रह और निष्क्रिय प्रतिरोध में क्या है, अंतर है। और गांधी जी इसीलिए कि कोई बात में कंफ्यूजन न हो, किसमें, हाँ निष्क्रिय प्रति, अभी सत्याग्रह नाम बाद में देते हैं, वो भले मैं यहाँ पर लिख दिया हूँ सत्याग्रह, शुरू में वो भी क्या मानकर चले थे, ये क्या है तो पैसिव, हाँ रेजिस्टेंस है, साफ साफ अपने उसमें लिखते हैं। अगर जो पूरा नहीं पढ़ेगा उनकी जीवनी को तो कई जगह पर लिख जाए, लिखा मिलेगा, मेरा जो निष्क्रिय प्रतिरोध है वो आत्मबल है, और पूरा नहीं पढ़ा तो क्या मान लेगा सत्याग्रह को, निष्क्रिय प्रतिरोध। और जो यही हो रहा है यहाँ यूट्यूब में, ज्यादातर लोग बताने वाले किताब का एक अंश पढ़ते हैं फिर उसको क्या करने लगते हैं, बताने लगते हैं। लेकिन हम बार बार बोले हैं किसी किताब का सबसे पहले हमें उपक्रम देखना पड़ता है कि उस किताब का उद्देश्य क्या है, और फिर उस किताब का उपसंहार देखना होता है, तब उस चीज के उसके अंश को हम लोग समझ पाएंगे। तो गांधी जी इसको अलग करना चाहते थे, किसको, तो निष्क्रिय प्रतिरोध से किसको, अपने आंदोलन को। तो फिर उन्होंने कहा कि मैं सुझाव मांगना चाहता हूँ, क्या मांगना चाहता हूँ, सुझाव। तो लोगों से बहुत सारे सुझाव मांगते हैं, ऐसे ही एक व्यक्ति का नाम था मंगल गांधी, मंगल गांधी, और मंगल गांधी जी ने नाम सुझाया था क्या, तो सदाग्रह, क्या नाम सुझाया था, सदाग्रह। बाद में गांधी जी ने इसको क्या किया, संशोधित किया, और नाम क्या रखा इस प्रकार के आंदोलन का, तो सत्याग्रह नाम रखा। तो ये कुछ कहानी समझ में आई क्या सत्याग्रह की,
कैसे कैसे डेवलप हुई चीजें। ठीक, सदाग्रह को क्या कर दिया गांधी जी ने? सत्याग्रह कर दिया। किसने दिया था? तो मंगल गांधी ने। इतनी बातें समझ में आई, यहां तक पहुंच जाएंगे। अब गांधी जी को इस प्रकार के आंदोलन की सीख कहां से मिली? गांधी जी ने वहां जो सभा में कहा, अपने हृदय से पूछिए, और जो उन्होंने ये सविनय अवज्ञा किया, बाद में जाकर असहयोग करेंगे, अहिंसा, ये उनको कहां से मिला? यह उनको मिला था तो टॉल्स्टॉय से। टॉल्स्टॉय सत्याग्रह के सच्चे प्रतिपादक है। गांधी जी स्वयं लिखते हैं, टॉल्स्टॉय सत्याग्रह के सच्चे प्रतिपादक कौन? तो और टॉल्स्टॉय के किस किताब से गांधी जी प्रभावित थे? द किंगडम ऑफ गॉड इज विद इन यू। ठीक, इज विद इन यू। गॉड की प्रभु सत्ता कहां है? हमारे अंदर है। द किंगडम ऑफ गॉड इज विद इन यू। और रस्किन की कौन सी किताब से? अनटू दिस लास्ट, याद रहेंगे दोनों। तो टॉल्स्टॉय सत्याग्रह के सच्चे प्रतिपादक थे, सच्चे प्रतिपादक थे। इन्होंने रूस में जार के खिलाफ आंदोलन किया था, इसी विधि से रूस में जार के खिलाफ इसी विधि से आंदोलन किया था और सफलता भी मिली थी। लेकिन अधिकांश लोग यहां तक ही रुक जाते हैं। मैं तो कहता हूं टॉल्स्टॉय भी सच्चे सत्याग्रही नहीं थे, या इसकी उत्पत्ति भी टॉल्स्टॉय से नहीं थी। कई किताब में ये लिख दिया गया है, कई किताबों में लिखा गया है कि टॉल्स्टॉय ही क्या थे, सच्चे थे। लेकिन टॉल्स्टॉय को भी सत्याग्रह कहाँ से मिला? टॉल्स्टॉय को भी सत्याग्रह कहाँ से मिला? और आप लोगों को आश्चर्य होगा जानकर, और किताब वालों की आंशिक ज्ञान का परिणाम है कि टॉल्स्टॉय को जो मिला हुआ है ज्ञान सत्याग्रह का, वो मिला है थिरुक्कल से। ये इसका समय काल निश्चित नहीं है, ईसा की पहली शताब्दी के करीब करीब एक तमिल साहित्य है। क्या है? तो तमिल ग्रंथ है। क्या नाम है? थिरुक्कल। इंग्लिश में लिखें, थोड़ा प्रोनाउंस करना इजी होगा, थिरुकुरल। नहीं पता है कहते बन रहा है, कोई बात नहीं, बन रहा है, नहीं भी बन रहा है तो कोई बात नहीं। किताबों में क्या लिखा रहता है? हाँ, ऐसा नहीं अपने से लिख रहे हैं, किताबों में भी क्या लिखा रहता है? कई जगह कुरल लिखा रहता है। ठीक, और इसको लिखा है थिरुवल्लूर ने। किसने लिखा है? थिरुवल्लूर। किसने लिखा हुआ है? तो थिरुकुरल क्या है? एक तमिल ग्रंथ है। किसने लिखा? तो थिरुवल्लूर ने लिखा। किसने लिखा? थिरुवल्लूर। और यह किताब जाकर अगर आप गूगल कर लें इस किताब को गूगल करेंगे तो आपको जो भी कोई पेज खुलेगा इंटरनेट में, वहां लिखा रहेगा कि मोरालिटी में दुनिया की सबसे बेहतरीन किताब क्या है, तो थिरुकुरल है। नैतिक शास्त्र का मास्टरपीस है। नैतिक शास्त्र का सबसे प्रसिद्ध किताब है, और जब टॉल्स्टॉय ने इसी थिरुकुरल का जब जर्मन अनुवाद पढ़ा, तब उन्हें किसकी शिक्षा मिली? तो सत्याग्रह की। तो यानी इसीलिए गांधी जी अपने पत्रिका में लिखते हैं कि पश्चिम से भी पूर्व भारत में सत्याग्रह का प्रचलन था।
क्योंकि थिरुक्करल कहाँ है, तमिल ग्रंथ है, भारत में लिखी हुई, भारत के एक ऋषि द्वारा लिखी गई या संत द्वारा लिखा गया एक किताब है जो मोरालिटी से भरा हुआ है, एथिक्स से भरा हुआ है। अगर आपको मोरालिटी सीखना है तो इससे बेहतरीन ग्रंथ नहीं है। समझ रहे हैं बात को? तो सत्याग्रह शब्द की जो भ्रांति है वो दूर हो पाई क्या? तो सत्याग्रह का सर्वप्रथम प्रयोग कहाँ होगा? 1906, जगह का नाम ट्रांसवाल, बड़े जगह का नाम जोहान्सबर्ग, देश का नाम साउथ अफ्रीका। किसने किया? गांधी जी ने। गांधी जी को यह सत्याग्रह की सीख कहां से मिली? टॉलस्टॉय से मिली। टॉलस्टॉय ने रूस के जार का विरोध इसी विधि से किया था। और टॉलस्टॉय को यह शिक्षा कहां से मिलती है? तो थिरुक्कुरल से मिलती है। थिरुक्कुरल को, हाँ, थिरुवल्लूर ने लिखा। और थिरुक्कुरल अगर जटिल है प्रोनाउंसिएशन में तो क्या कह सकते हैं? कुरल। तो कई जगह क्या लिखा आता है? कुरल भी आता है। समझ रहे हैं बात को? इतनी बात समझ गए सत्याग्रह को लेकर? आइए अब इसके शाब्दिक परिभाषा पर चलते हैं, जो हमारे लिए 2 नंबर में आपसे यह परीक्षा में पूछा गया है। एक बेहतरीन परिभाषा बनाने का हम लोग प्रयास करते हैं, जो सभी रूप में क्या हो? पूर्ण हो। जो सभी रूप में पूर्ण हो, आइए देखते हैं। तो सत्याग्रह ठीक, अभी हम परिभाषा को बता रहे हैं, कल हम सत्याग्रह के कैरेक्टरिस्टिक को बताएंगे। आज क्या पढ़े? सत्याग्रह के बुनियादी चीजों को, सत्याग्रह के ऐतिहासिक पृष्ठभूमि को, या जेनेसिस ऑफ सत्याग्रह, सत्याग्रह की उत्पत्ति को। अब क्या है, देखते हैं सत्याग्रह के थोड़े परिभाषा को, और इसको आप लोगों को कल समझकर और लिखकर आना है, 2 नंबर में लिखकर आना है, क्योंकि पेपर में आ गया है ठीक। और हो सके तो दूसरे तरीके से प्रयास करिएगा। तो शाब्दिक अर्थ है इसका, शाब्दिक अर्थ से ही हम लोग कल इसके कैरेक्टरिस्टिक को निकालने का प्रयास करेंगे, ताकि आप पेपर में भी निकाल सकें। समझ रहे हैं? सत्याग्रह जब शब्द को तोड़ेंगे तो कल हम लोग को वहां पर कैरेक्टरिस्टिक, उसके जो भी कैरेक्टरिस्टिक है वहीं से हमको मिलने चाहिए, ताकि आपको रटना न पड़े, पेपर में भी आप उसी तरीके से वहां से इसकी विशेषताओं को निकाल पाए ठीक। तो सबसे पहले आप लोगों को परिभाषा में लिखना चाहिए सत्याग्रह का अर्थ सत्य के लिए आग्रह है, सत्य के लिए आग्रह है। सत्याग्रह का अर्थ सत्य के लिए आग्रह है। इस दूसरे लाइन को ध्यान से देखिए, फिर लिखिएगा, सुनिए ठीक। गांधी जी ने क्या कहा होस्किन महोदय जी को? कि मेरा जो निष्क्रिय प्रतिरोध है वह आत्मबल है। तो यह एक आत्मिक बल है, यह एक आत्मिक बल है। अभी आत्मिक बल का अर्थ क्या है इसको कल समझेंगे। यह एक आत्मिक बल है, यह एक आत्मिक बल है। अब ध्यान से देखेंगे, समझेंगे इसको। अंतर आत्मा के अनुरूप, अंतर आत्मा के अनुरूप जो सही है, अंतर आत्मा के अनुरूप, इसको देखेंगे जरा, अंतर आत्मा के अनुरूप जो सही है, यानी आपका हृदय जो आपको कह रहा है। और अगर आप मान रहे हो कि आपके हृदय से जो बात आ रही है, हृदय से हमेशा बात कैसी आती है? सही। उसको डाइवर्ट कौन करता है? मन। उसको डाइवर्ट कौन करता है? मन करता है। अंतर आत्मा के अनुरूप जो सही है उसका मनसा वाचा एवं कर्मणा आचरण ही सत्याग्रह। अब जरा इसको समझिए, अंतर आत्मा के अनुरूप जो सही है उसका मन से, मनसा का मतलब क्या है, क्योंकि गांधी जी ने इन तीनों शब्दों का प्रयोग किया है। ये डेफिनेशन हम आपको बना के 2 नंबर के लिए दिए हैं, लिखोगे बिल्कुल सटीक और तकनीकी है।
कि जो अंतर आत्मा के अनुरूप जो सही है उसका मन से, वाचा यानी वचन से, कर्मना यानी कर्म से आचरण। सत्याग्रह का मतलब है जब आपकी अंदर आत्मा जो कह दे सही है और जब आप उसका आचरण कर दें वही क्या है, सत्याग्रह है। समझ रहे हैं? तो सत्याग्रह में सदैव सत्य के लिए लड़ाई होती है। अभी इसमें बहुत कुछ है, बहुत इंटरेस्टिंग मेथड है ये। आप किसी को भी बड़े से बड़े दुश्मन को झुका सकते हैं। इसमें एक खास बात बताएं आप, इसमें हार किसी पक्ष की नहीं होती है, इसमें दोनों ही पक्ष जीतता है। इसमें पापी नहीं पाप का विनाश होता है, अपराधी नहीं अपराध का विनाश होता है। हम इसमें केवल बुराई करता या विरोधी पक्ष को पथ भ्रम से सही पथ पर लाया जाता है। समझ रहे हैं? किसी को भी कठोर से कठोर हृदय को पिघला सकता है कौन, तो सत्याग्रह। तो अंदर आत्मा से जो आवाज आएगी उसके अनुसार ही अगर कोई व्यक्ति आचरण करे तो वही क्या है, सत्याग्रह। और यहाँ पर एक संकुचित धारणा मुझे और दिखती है किताब वालों की, बड़े बड़े लेखकों को मैंने देखा है, बड़े बड़े शिक्षकों को मैंने देखा हुआ है। गांधी जी साफ साफ लिखते हैं अपनी पत्रिकाओं में, इंडियन ओपिनियन में भी लिखते हैं, द यंग इंडिया में भी लिखते हैं और हरिजन में भी लिखते हैं कि सत्याग्रह एक ऐसा हथियार है जिसका प्रयोग जीवन के सभी पक्षों पर निर्बाध रूप से किया जा सकता है। अगर व्यक्ति को उज्जवल चरित्र का निर्माण करना है तो वह कर सकता है, परिवार में अगर कोई परेशानी है तो वहां कर सकता है, राजनीतिक रूप से कोई परेशानी है तो वहां कर सकता है। आमतौर पर लोग सत्याग्रह को केवल राजनीतिक आंदोलन से जोड़कर देखते हैं, जीवन के किसी पक्ष से जोड़कर नहीं देखते। अगर समाज को ठीक करना है तो वहां भी क्या कर सकते हैं, सत्याग्रह। अगर दुर्बलों को सबल करना है, प्रबल करना है, वहां भी क्या यूज कर सकते हैं, सत्याग्रह। अगर अपने मित्र को पथ भ्रम से अगर सही लाना है तो सत्याग्रह। अगर विद्यार्थियों को अगर शिक्षक डांटने के बजाय क्या कर दे, सत्याग्रह करे। अगर विद्यार्थी पथ भ्रम है तो उनको सही मार्ग लाने के लिए भी क्या किया जा सकता है, सत्याग्रह। पति पत्नी को सही मार्ग में ला सकती है, पिता बच्चे को सही मार्ग में ला सकते हैं, तो ये सत्याग्रह का कोई भी दायरा नहीं है। लेकिन अधिकांश जगह आप लोग पढ़े होंगे, सुने होंगे, सिर्फ कहां तक संकुचित कर दिया जाता है, तो राजनीतिक आंदोलन तक। लेकिन यह ऐसा नहीं है, जीवन के हर क्षेत्र में सत्याग्रह का प्रयोग निर्बाध रूप से किया जा सकता है और वांछित परिणाम आ सकता है। और कल सीखेंगे सत्याग्रह में कभी हार हो ही नहीं सकती है, और कैसे नहीं होगी हार वो हम लोग कल देखेंगे। ठीक, बात समझ में आई सत्याग्रह को लेकर?